ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ कैप्टन दी कोठी दा घराओ किया जाएगा। इस सिलसिला लंबे समय तो जारी है। विरोधी धिरां वल्लों मुख्यमंत्री कैप्टन दा घराओ किया जा रहा है। कांग्रेस से सवाल चुके जा रहे हैं ते अज भाजपा युवा मोर्चा वल्लों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कोठी दा घराओ किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा वल्लों यह प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन दी चंडीगढ़ स्थित कोठी दा घराओ किया जाएगा। लंबे समय तो यह सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री कैप्टन का घराव किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल वालों भी किया गया सी, आम आदमी पार्टी वालों भी किया गया सी, ते आज भाजपा युवा मोर्चा वालों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कोठी का घराव किया जाएगा। यह सिलसिला विरोध का जारी है। विरोधी धिर लगातार सत्ता धिर सरकार नूं घेर रही ने। मुख्यमंत्री कैप्टन दी कोठी दा घराओ किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा वालों अज प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा सूबे दी कैप्टन सरकार दा, कांग्रेस दा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा विरोध जारी है ते भारतीय जनता पार्टी दे युवा मोर्चा वालों अज घराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री पंजाब दी कोठी दा चंडीगढ़ स्थित कोठी दा घराव किया जाएगा। विरोधी धिरां वालों लगातार धरने प्रदर्शन जारी ने। वख-वख मुद्दियां ते सरकार नूं घेरिया जा रहा है। काटो कलेश नूं लैके भी घेरिया जा रहा है ते उस तों अलावा बिजली दे मुद्दे ते भी घेरिया जा रहा है। बेअदबी मामले ते भी घेरिया जा रहा है। तमाम वो मुद्दे जिहड़े 2017 विच सूबा सरकार कांग्रेस सत्ता विच आई सी, जिन्हां वादियां नूं करके जो हुण तक पूरे नहीं होए। हालांकि कागजां विच तां 85% पूरे नजर आ रहे ने, पर जमीनी पद्धर ते कुछ हो रही है। ऐसी खबर ते वधेरी जानकारी देने लई अनिल भारद्वाज साडे नाल जुड़ गए ने। जी अनिल, फिलहाल की कुछ अपडेट? जी नीलम, ड्रग्स के इशू से अज जिहड़ा है भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब वालों घराओ करन की तैयारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के जो सरकारी रिहायश है उन्होंने उत्थे, तो इस वेले असी 17 सैक्टर मौजूद हैं जितों युवा मोर्चा ने चलना। भानु प्रताप राणा इन्हां दे प्रधान ने स्टेट के, उन्होंने अगवाई से मार्च चलना। इस वेले जिहड़े इन्हां दे वर्कर ने इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। साढ़े नाल भानु प्रताप ने, उन्होंने गल करते हैं। भानु प्रताप जी, तुहाडा स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब ते। प्रोग्राम की है? देखो, थानू पहले मैं दसना चाहूँगा भी साडे जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने, उन्होंने पवित्र गुटका साहब हाथ च फड़ के जिहड़ी पहली कसम खाई सी, वो पहली कसम यह खाई सी भी मैं 4 हफ्तों के नशा खत्म कर दांगा। मैनू लगता है भी उन्होंने 4 हफ्तों नशा तो खत्म नहीं करिया, उन्होंने नौजवान खत्म करते। उन्होंने पंजाब नू शराब कांड दिता, उन्होंने पंजाब दे विच जहरीली शराब बंडी है। उन्होंने जिथे घर घर नौकरी देने का वादा नौजवानों नू करिया, उन्होंने जहरीली शराब के माध्यम नाल पंजाब दे विच घर घर मौत वंडी है। अज जिहड़ा पहला उन्होंने पवित्र गुटका साहब हाथ च फड़ के कसम खाई थी, वह अज मुद्दा सब तो लास्ट बन गया है। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा अज उन्होंने यह मुद्दा याद कराना आया है भी जिहड़ी तुसीं सानू कहा सी भी असी 4 हफ्तों च अपना नशा खत्म कर देंगे, तो मैं कहना चाहूँगा भी नशा नहीं खत्म करिया, तुसी ने नौजवान नहीं खत्म करते। इस करके असी भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे पंजाब चूरे प्रोटेस्ट करन पहुंचे। राणा जी, अज ड्रग्स के इशू तो तुसी कर रहे हैं, इस तो अलावा भी कई चलंत मामले है, ज्वलंत मामले पंजाब के, जिसे बिजली का मुद्दा भी है, किसानी का मुद्दा भी है, उससे भी थोड़ा कोई अगे प्लानिंग है या अज सिर्फ ये जो है ड्रग्स से ही कंसर्न? देखो, अज असी नशे नू लेके नौजवानों नू लेके नौजवानों के नाल लगते लगते जिहड़े जिस तरह उन्हें भत्ता देने की गल करी कैप्टन ने, उन्हें नौकरी देने की गल की,
उन्हें स्मार्टफोन देने की गल की, लेकिन सब तो अहम मुद्दा जिहड़ा पवित्र गुटका साहब हाथ च फड़ के उन्हें कसम खाई थी भी मैं नशा खत्म करांगा। हुण तुसीं देखो पंजाब दे विच नशे नाल किन्नी मौतां हुंदियां हैं। इन्हां दे मंत्री चाहे वह जीरा होवे मान होवे वह खुद कहिंदे हैं भी अज पंजाब दे विच होम डिलीवरी होण लग गई है नशे की। तो मैनू नहीं लगता भी तो बड़ा मुद्दा पंजाब की नौजवानी नू कोई टच करता है। असी पंजाब की नौजवान आवाज़ बन के उभरांगे ते भारतीय जनता युवा मोर्चा इहदे अजे नहीं, इस तरह नहीं भी अजे प्रोटेस्ट होए तो अजे खत्म हो जाएगा। यह प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा जब तक कैप्टन नू सत्ता तो बाहर ना कर दिए। राणा जी किन्ने की प्रोग्राम है थोड़ा, किन्ने क अज वर्कर जिहड़े इत्थे पहुंचे हैं और किन्ने बजे तुसीं इत्थों जिहड़ा उधर उस वल्लों कुछ करना? पहला तो मैं दसना चाहूँगा भी वर्कर का प्रोटेस्ट साडा सब तो वड्डा प्रोटेस्ट अज भारतीय जनता युवा मोर्चा का चंडीगढ़ में होगा। तो गल करते हो 12:30 बजे असी उड़ा तो कूच करांगे ते असी कैप्टन की कोठी का घराव करने का सानू साडे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व के हेठ असी ये सारा मार्च कढ़ना है। इस करके असी 12:30 बजे उरे ते निकलांगे ते कैप्टन नू उहदे जिहड़े नशे के खिलाफ वादे करे उह याद करावांगे। सन भानू प्रताप राणा साडे नाल भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब के प्रधान जिन्हां ने अज्ज दा जो इन्हां दा प्रोग्राम उहदे बारे दस्सिया। हुण मेरे नाल साडे सीनियर साथी परीक्षित सिंह मौजूद ने। पुलिस ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं अज्ज दे इस मार्च नूं रोकण वास्ते, की तैयारियां परीक्षित इहदी पूरी जानकारी और हुण तक पुलिस ने जो पहला कुछ पता लगे जी पिछे गड्डियां भी रोकियां गईयां, परीक्षित क्या है ये आज तैयारी क्या है पुलिस की? प्रदर्शन को देखते जैसे किसान आंदोलन भी था और भी प्रदर्शन को देखते चंडीगढ़ पुलिस हमेशा से इस बार भी पूरी तरह मुस्तैद होकर तैयारी कर रखी है। करीब 500 करीब पुलिस कर्मचारी रखे गए हैं जिसमें DSP इंस्पेक्टर्स लेके SP तक के यहाँ पे मौजूद हैं। और हमें जो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि करीब 25 गाड़ियाँ शास्त्री यहाँ पे सेक्टर 24 में रोक ली गई हैं, वहाँ से पैदल ही कार्यकर्ताओं को आने यहाँ दिया गया है। और करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने 2 बैरिकेडिंग करते हुए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है जो तोड़ पाना, जिससे कि ये प्रदर्शनकारी उसे तोड़कर आगे ना मूव हो सकें। ये जो इन्होंने किया है ये कहाँ कहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है और क्या इनका कोई वाटर कैनन का या कुछ दूसरा बल प्रयोग के लिए भी इनकी कोई तैयारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अभी जैसे कि आप ग्राउंड में इन्होंने पहले तो यहाँ पे रोकने का प्रयास किया करेगी पुलिस, उसके बाद आगे एक बैरिकेडिंग नगर निगम के पहली लगा रखी गई जो फर्स्ट बैरिकेडिंग पुलिस का है, अगर उसको क्रॉस करते हैं तो सेकंड बैरिकेडिंग डबल बैरिकेडिंग वहां पे कर रखी गई है जहां पे प्रॉपर वाटर कैनन से लेके और सारे वज्र और जो दंगा कंट्रोल व्हीकल्स पुलिस के होते हैं वो सारा का सारा सिस्टम वहां मौजूद है जो किसी भी कीमत पे सेकंड बैरिकेड क्रॉस करके प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकेगा। और क्योंकि पुलिस को भी पता कि अगर उसको क्रॉस करके जाते हैं तो उसके बाद कोई थर्ड आगे पुलिस के पास नहीं, इसलिए किसी न किसी ने वहीं पे कंट्रोल करके इन्हें रोकना होगा क्योंकि स्थिति नहीं तो आगे जाके मटका चौक आता और भी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और भी परेशानियां हो सकती हैं। जी नीलम पूरी थोड़ा तफसील चापा भारतीय जनता युवा मोर्चा की तैयारी है पुलिस की तैयारी है बारे जानकारी दिखती है। सो ये हूँ इन्होंने पूरी तैयारी है, इन्होंने वर्कर कट्ठे होने शुरू हो गए हैं इतने इस वेले सारा सैक्टर जो परेड ग्राउंड वो बिल्कुल सामने जोड़ा मौजूद ने और इतों इन्होंने अगे बढ़ना 12:30 इतों चलना। जी नीलम बिल्कुल अनिल, विरोधी धिर वालों लगातार घेरिया जा रहा है, कोई बिजली के मुद्दे से घेर रहा है अजय नशे के मुद्दे से घेर रहे हैं, की कहोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्योंकि हुण तो सिर्फ 6 महीने का करीब समा रह गया कि अगला जो विधानसभा चोण आ रही है उनू, तो उस करके हुण सारिया पार्टियां जिहड़ियां एक्टिव हो चुकी हैं, पार्टियां भी एक्टिव हो चुकी हैं जिहड़ियां वख-वख जथेबंदियां चाहे मुलाजम जथेबंदियां होण किसान जथेबंदियां होण कोई होर सोशल जिहड़े NGOs होण वो सारे जिहड़े हैं वो एक्टिव हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा सरकार से प्रैशर बना के जिहड़ा है बनाया जाए और इहदा जिवें जथेबंदियां ने उन्हां दा है कि जिन्ना फायदा सरकार तो लिया जा सकता है वो लिया जा सके, तो दूजे पासे पोलीटिकल पार्टी जिहड़ी है वो अपना एक होंद वास्ते अपनी अगे जिहड़ी जमीन तैयार करन वास्ते लगियां होईयां जिवें अकाली दल ने पहला किया फिर आम आदमी पार्टी ने किया अज भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान च आ गया, तो कुल मिला के जो पोलीटिकल माहौल आप कह सकते हैं भी वह पंजाब का अगलिया आने वाली विधानसभा चोणों को लेकर पक चुका। अनिल तुसी जायजा लेंदे रहो मौके दा ते जेड़े भी अपडेट है वो सानू देंदे रहो, जुड़े रहो साडे नाल, तमाम जानकारी लई बहुत बहुत शुक्रिया।